अरे पुलिस वाले भैया यार, क्या हो गया? सुबह सुबह कैसे आ गए आप यहाँ पे? अरे सर, हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चोरी हुई है। एक हेलीकॉप्टर चोरी हो चुका है। अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता चले तो हमें जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। क्या हेलीकॉप्टर चोरी कर लिया किसी ने? अरे हाँ सर, किसी ने हेलीकॉप्टर चोरी कर लिया है। वाह वाह, क्या सिक्योरिटी है आपकी। एक सेकंड, मुझे फोन आ रहा है। चलो ठीक है, मुझे अगर पता चलेगा कोई से भी हेलीकॉप्टर के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी रैम चैलेंज में जाना है। अरे ठीक है सर, जरूर बता देना अगर पता चले तो। अरे हाँ बताऊंगा। अरे यार मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझे यार रैम चैलेंज के लिए फोन आते जा रहे, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। तो गाइस सर, अभी मैं जा रहा हूँ आज के रैम चैलेंज में। बहुत ही ज्यादा वैसे ही लेट हो गया था और पुलिस वाले मुझे बोल रहे भाई किसी जने ने हेलीकॉप्टर चोरी कर लिया है। भाई हेलीकॉप्टर कैसे चोरी होता है? एक तो फिर से फोन लग गए और शिनचैन भी भाई मुझे सुबह से मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो सब छोड़ो, अपन बिना किसी देरी के चलते हैं आज के रैम चैलेंज में। तो गाइस यार, सारे के सारे जने आ चुके आज के रैम चैलेंज के लिए, सारे के सारे कंटेस्टेंट भी आ चुके, सबकी गाड़ियां भी आ चुकी है। बस यार शिनचैन अभी तक नहीं आया और उसका किसी को पता भी नहीं है। और आज के हमारे होस्ट है मोदी जी। मोदी जी, क्या आपको पता है कि शिनचैन कहाँ पे है? मित्रों, मुझे नहीं पता कि शिनचैन कहाँ पे है। जब तक वो आएगा नहीं तब तक रैम चैलेंज नहीं शुरू होगा। अरे यार, जब तक शिनचैन का वेट करना पड़ेगा। शिनचैन पता नहीं कहाँ पे, उसको मैंने फोन किया था, उसने बोला था वो आ ही रहा है बस। तो देखने कितनी देर में आता है शिनचैन। A few moments later. अबे ये हेलीकॉप्टर में कौन आ रहा है भाई? अबे कौन आ रहा है भाई हेलीकॉप्टर यहाँ पे लेके? अरे फेकी बे, ये मैं हूँ शिनचैन। अबे शिनचैन, तू हेलीकॉप्टर में कहाँ से आया? अरे फेकी बे, बचाओ बचाओ। अरे फेकी बे, हेलीकॉप्टर भिड़ रहा है, बचाओ मुझे। अबे बाहर निकल उधर से। अरे फेकी भैया, आपको पता है मैं किसको लेके आया हूँ अपने साथ रैम चैलेंज में? अरे किसको लेके आए? अरे फेकी भैया, मैंने ननेको दीदी को लेके आया हूँ। क्या ननेको दीदी को? आप इसको क्यों लेके आए यहाँ पे रैम चैलेंज में? अरे फेकी भैया, क्यों नहीं लेके आऊँ, ये भी अपने साथ रैम चैलेंज करेगी। चलो मजा आएगा, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यार, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज के रैम चैलेंज में हमको करना क्या है। यहाँ से अपनी फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए जो भी जाना गाड़ी लेके आए उसको यहाँ से भगाते हुए जाना है, फिर इस पे लैंड करना है, फिर यहाँ से वापस से फुल स्पीड में भगाते हुए जाके इस टायर के में से निकलना है और यहाँ पे आके लैंड करना है। जो भी यहाँ पे लैंड करेगा वो ये रैम चैलेंज जीतेगा और जो नीचे गिरेगा नाले वाले पानी में वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो आज का प्राइस है वो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये पूरा का पूरा प्लेन चलता फिरता घर है ये। मतलब यार, इस प्लेन के अंदर सारी सारी चीजें जो कि घर में होती है। पहले तो घुसते ही एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे पूरा का पूरा बेडरूम है, अंदर किचन विचन सब की सब चीजें। तो मतलब कुल मिला के बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला प्लेन है और जो भी जीतेगा उसको मिलने वाला है ये प्लेन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मुझे पूरी कोशिश करनी है कि ये वाला प्लेन मुझे मिले। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ओडिन पुत्र बिजली का देवता यानी थॉर जाएगा। अरे तो जाओ ना यार, पका के रो, जल्दी जाओ ना मोटे मोटे अंकल। अरे शिनचैन, ये कितना ज्यादा मोटा है। अरे है ननेको दीदी, बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। अरे क्या मुझे मोटा बोला? अभी दिखाता हूँ, ऐसा मस्त रैम चैलेंज करूंगा तुम मुझे कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। अरे हाँ वो देखते हैं, तुम अभी लड़ो मत। तो गाइस यार, अभी जा रहा है थॉर अपना रैम चैलेंज करने पर। एक सेकंड, ये स्कूल की बस कहाँ से लेके आए? नहीं तो प्रिजन बस है। अरे भाई साहब, ये प्रिजन की बस लेके आ गए इस रैम चैलेंज करने में और इसने अपने यहाँ से खुदा भी लिए। देखते हैं ये क्या करता है। अभी ये जा रहा है यहाँ से नीचे। अरे फेंकी भी है, मुझे तो पक्का पता है ये कहीं पे जगह गिर जाएगा। अरे गाइस यार, इसको छोड़ो। तो गाइस यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अरे नन्ने को दीदी, आप भी कुछ बोलो ना। अरे हाँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। अरे भाई, ये तो जा रहा है फुल स्पीड में, क्या ये उधर लैंड कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। और ये जा रहा है सीधा, और पहुंचेगा कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं? और ये नहीं पहुंच पाया और थॉर हो चुके इस रेस से डिस्क्वालीफाई, मतलब इस रैम चैलेंज से डिस्क्वालीफाई। तो थॉर कल आना और ये जाना सीधा अपने नाले वाले पानी के अंदर। ए लड़की, चलेगी क्या 9 से 12? अरे 9 से 12 का तो पता नहीं, मेरे जूते का नंबर जरूर 12 है। अरे अरे मना कर देना, ऐसे नाराज क्यों होती है? अरे देखो, मैं पहली बार आया हूँ लॉस एंजेलिस में ये मस्ती गाड़ी लेके, और ये फ्रैंकलिन ने मुझे रैम चैलेंज में बुला लिया है। ये तो बहुत ही इजी है, ऐसी जूते मैं WWE में बहुत करता था। और ये जॉन सीना सीधा जा रहे, क्या ये पहुंच पाएंगे? और ये जस्ट, और ये पहुंच नहीं पाए, बिल्कुल हल्का से रह गए, वरना ये पहुंच ही जाते। और जॉन सीना भी हो चुके डिस्क्वालीफाई अपने नाले वाले पानी में जाके। अरे फेकी भी, ये कौन है? अरे भाई अपना हल्के ना। अरे फेकी भी, कल कैसे हो गए? अरे पता नहीं कैसे कल हो गया। अरे मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो थोड़ा सा स्लिप हो गया था और जाके कादे में गिर गया था। अरे ऐसे स्लिप हुआ था। अरे भाई, तो यहाँ पे जो गिरा है यहाँ पे कोई कादा नहीं है। देखो मेरे को पता है, देखो शौक है कादे में गिरने का, इसका मतलब ये तो ना तू कहीं पे भी गिर जाएगा। अरे फ्रैंकलिन, ज्यादा मत बोल, मार दूंगा देखो। अरे ठीक है भाई, नहीं बोला, जा तू करके दिखा। हाँ, अब से मत बोलना।
अरे अरे बच गया, मैं तो बच गया। तो गाइस सर ऑब्वियसली गाड़ी यार यहाँ से गिर चुकी थी, इसने सेकंड वाले पे लैंड करते अपनी गाड़ी से गिर गया था, पर इसने गाड़ी अपनी वापस उठा ली। क्या ये पहुंच पाएगा? आप यार फटाफट से कमेंट में बता दो। और इसने अपनी गाड़ी कुदारी, सामने वो सर्कल दिख रहा है, क्या ये पहुंच पाएंगे, क्या ये पहुंच पाएंगे? अरे तुम्हें कोई शक है क्या? मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, ये देखो बस मैं पहुंच गया। और ये अरे नहीं, मुझे नाले के पानी में नहीं जाना, अरे मुझे बाहर निकालो, मैं वैसे ही बहुत काला हो गया हूँ। अरे भाई अब ये एम्बुलेंस कहाँ से लेके आ गया? भाई तुम सबके सब पागल हो गए क्या? एम्बुलेंस कहाँ से लेके आए? अरे वो यार पल्ली में लेते लेते आते हैं यार। अरे देखो मैं क्या कहीं से दिखा तो एक बार मैं किसे आऊंगा। अरे मेरे को बताओ, अरे मेरे को बता लो, अरे प्लीज बता लो, मेरे को नहीं तो कितना, अरे देखें ता दे तो प्लीज प्लीज। तो भी यार स्पाइडरमैन को मिल चुका है सेकंड चांस, क्योंकि यार ये बातों बातों में नीचे गिर गया था, पर कोई बात नहीं, हमने इसको सेकंड चांस दे दिया। देखते ही क्या करके दिखाते हैं। अरे थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे यार सेकंड चांस दिया। देखो मैं तीर के दिखाऊंगा, पत्ता तीर के दिखाऊंगा। अरे 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 बताओ मेरे को, अरे प्लीज अरे चल पागल है कि बार बार तुम्हें चांसेस देंगे? तो स्पाइडरमैन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई और जा रहे हैं नाले में। अरे ये सब के सब बच्चे लोग क्या परेशान करते हैं, मेरे पास सूट है, मैं ऐसे जा सकता हूँ? अबे वो सूट वूट यूज नहीं करना, बताया था ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, ये देखो मेरी मॉन्स्टर ट्रक। अरे भाई सब क्या ट्रक है, क्या ये इसमें पहुंच पाएंगे? अरे पहुंच ही जाएंगे, कुछ शक है तुमको? अभी देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ। अबे उस तरफ है, उधर जा। अरे अरे मुझे पता है सब यार। और ये आयरन मैन अपनी यार गाड़ी से खोद चुके और सामने जा रहे, और ये तो बिल्कुल पहुंचने वाले, और उन्होंने पैराशूट खोल लिए। अरे यार मेरे को डर लग रहा है बहुत यार, अरे कैसे जाऊं, अरे नीचे तो नाला है, अरे मुझे पहुंचने हो गए, अरे पहुंच गए, अरे पहुंच गए, अरे पहुंच गए, अरे अरे मेरा पैराशूट तो पहुंच गया था। डिस्क्वालीफाई। अरे फेंकी पे मैं जम गए। अरे पहले मुझे जान देना। अरे नहीं फेंकी, पहले मैं ही जाऊंगा, देखना मैं क्या करके दिखाता हूं। अरे यार रामचरण को मुझे जीतना पड़ेगा, मुझे नैने को दीदी के साथ यार उस प्लेन में घूमना है, हम उड़ते उड़ते घूमेंगे। अरे फेंकी भी, अरे फेंकी मुझे बचाए। अरे भाई शिंचर वापस लैंड कर ले उधर, अरे शिंचर लैंड कर ले। एनी फेकी भाई, ये एनी फेकी भाई तो लैंड नहीं कर पाए। और ये शिंचर हो चुका डिस्क्वालीफाई, और कर ले फालतू की बात, हो गया ना डिस्क्वालीफाई। एनी फेकी भाई ये। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। हाँ बोल। अरे फ्रैंकलिन प्लीज तुम हार जाओ ना। अरे क्यों हारूं मैं? अरे मैं शिंचर के साथ उस एयरप्लेन में घूमना चाहती हूँ। हाँ तो मैं भी घूमना चाहता हूँ भाई, मुझे भी जीतना है। अरे फ्रैंकलिन प्लीज प्लीज यार। अरे ठीक है यार। तो गाइस सर अभी मुझे इस नरेको ने बोला है कि यार मुझे हारना चाहिए, क्योंकि उसको शिंचर के साथ उसमें घूमना है, और मैं भी चाहता हूँ कि शिंचन उसमें घूमे, तो शिंचन की भलाई के लिए मैं अभी हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, अपन हार जाएंगे, शिंचन मस्त यार घूमेगा उसमें, क्योंकि मैं हार जाऊंगा तो नन्हे को जीत आराम से कर ही लेगी। तो अभी अपन फटाफट से यहाँ पे गाड़ी खुलाते हैं, अपन को जीतना तो नहीं है, तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो हाँ भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ। मेरे बाबू का मैं सपना पूरा करके रहूंगी, एक घर वाले प्लेन में घूमने का। शिंचन बाबू अब टेंशन मत लो, मैं ये जीत के दिखाऊंगी। अरे मुझे यहाँ से गाड़ी से कूदना पड़ेगा। अरे कूद गई, अरे पैराशूट खोल लेती हूँ, सामने सर्कल है, मैं पहुंच के रहूंगी शिंचन बाबू की कसम। अरे ये पहुंचने वाली हूँ मैं, और पहुंच गई मैं तो। अरे शिंचन बाबू मैं जीत गई, शिंचन बाबू मैं जीत गई, अरे मैं तो जीत गई। मित्रों आज के रैम चैलेंज के बिना है ननेको और शिंचन। अरे शिंचन तो नहीं, मैं तो सिर्फ। अरे ननेको दीदी क्या बोल रहे हो? अरे शिंचन मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने तो सिर्फ झूठ बोला था, क्योंकि मुझे प्लेन चाहिए था। अरे वहाँ क्या प्लेन है, इसमें तो गाड़ी भी खड़ी है। अरे ननेको दीदी मुझे भी बुला लो। अरे नहीं तुम निकलो यहाँ से, तुम बिल्कुल गंदे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे वाह वाह क्या घर है मेरा तो, अरे मैं तो अब इसमें रहूंगी, कितना मस्त घर है। अरे वाह वाह यहाँ पे तो टीवी भी है, इसमें टीवी देखूंगी। अरे वाह वाह प्लेन तो चलने भी लग गया, बाय बाय शिंचन कभी नहीं मिलेंगे। अरे पायलट लॉस सेंट्रो से बहुत दूर ले चलो मुझे। अरे वाह वाह मेरा घर तो हवा में उड़ रहा है, मुझे हमेशा से ऐसा घर चाहिए था, मैंने शिंचन को पागल बना के ऐसा घर ले ही लिया। अरे वाह क्या मस्त घर है, अरे ये घर तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, अरे प्लेन टेढ़ा हो गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये घर तो बहुत ही अच्छा है, ये तो टेढ़े में भी उड़ रहा है। अरे देखो यहाँ पे सारी सारी चीजें टेढ़ी हो गई, पर बहुत ही बढ़िया घर है, इसमें तो मैं हमेशा रह सकती हूँ। दीदी चली गई। तो गाइस यार अभी ननेको यार भाग चुकी है अपने उस प्लेन में बैठ के, मैंने उसके लिए भाई यार मैं जानबूझ के हार गया, और वो भाग गई प्लेन लेके, और शिंचन भी बहुत ही ज्यादा रो रहा है, अरे उसने तो शिंचन का काट दिया। तो गाइस यार आज वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो। अभी आपने देखा कि भाई ननेको दीदी ने क्या कर दिया शिंचन के साथ, पर कोई बात नहीं हम अगली बार जीतने की जरूर कोशिश करेंगे। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन फॉलो कर लो। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।